हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं एक रियर व्यू मोबाइल माउंट होल्डर, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैंने अमेजोन से यूनिवर्सल का एक रियर व्यू मिरर माउंट मंगवाया था, जो अब मेरे पास आ गया है। कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर आता है, साथ ही साथ एक्चुअल प्रोडक्ट को भी मैंने यहाँ पर बाहर निकाल के रख लिया है, ताकि ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आपको प्रोडक्ट दिखाऊँ। हालांकि यहाँ पे कुछ मोटे मोटे इसके फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जो फ़ोन लगा सकते हैं वो 5 इंचज या उससे स्मॉलर फोन को लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपका फ़ोन 5 इंच से ज़्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है ये उसको ठीक से होल्ड ना कर पाए। इसके अलावा हर मौसम में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको इजी होता है इंस्टॉल करना और ये शॉक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर बम्पी रोड्स पर भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पर भी आपके फोन को अच्छे से होल्ड करके रखता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। हालांकि पैकेजिंग मुझे अमेजोन की तरफ से कुछ खास अच्छी नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको आगे की तरफ से आपको नहीं दिखाया। एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। अगर एक्चुअल प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही एवरेज लगी। हालांकि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 207 रुपीज़ है, तो बहुत ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बट फिर भी इसी रेंज के अंदर आने वाले दूसरे मोबाइल होल्डर्स में आपको कुछ इससे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। और किस तरीके से आप इसको माउंट कर सकते हैं, किस तरीके से देखने में लगता है, तो कुछ इस तरीके से ये देखने में लगता है। आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल माउंट मिल जाता है, इस तरफ आपको ये एडजस्टर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसको हॉरिजॉन्टल रखना है या आपको इसको वर्टिकल रखना है। कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ भी आपको एक ये नॉब मिल जाता है, जिस नॉब की मदद से आप इसकी जो पोजीशन है उसको सेट कर सकते हैं। और किस तरीके से आप इसको अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर लगा सकते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहां पे आपको लॉकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। पहले मैं इस लॉकिंग सिस्टम को हटा देता हूं जिससे कि आपको मैं दिखा पाऊं। कुछ इस तरीके से यहां पे आपको स्प्रिंग मिल जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्प्रिंग्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर होल्ड कर सकते हैं। जब आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो इस लॉकिंग सिस्टम की मदद से आप इसको लॉक कर सकते हैं, जिससे कि ये हिले ना या गिरे ना। उसके साथ साथ अगर आप मोबाइल को इस पर होल्ड करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको लॉक करके पहले दिखा देता हूँ। इसकी पोजिशनिंग को लॉक करने के लिए मुझे यहाँ से इसको लॉक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉक, पीछे से मैं लॉक करके आपको एक बारी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ये लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, जिसकी मदद से आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है। पोजीशनिंग वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लॉकिंग सिस्टम भी मुझे इसका बहुत एवरेज लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं उस चीज़ को लेके कि जब आप गाड़ी को बम्पी रोड्स पर चलाएंगे तो ये किस लेवल तक आपके मोबाइल को होल्ड करेगा। यहाँ पे भी आपको एक स्प्रिंग मिल जाता है, आप देखेंगे, जिस स्प्रिंग की मदद से आप अपने मोबाइल को इसमें लगा सकते हैं। और अंदर की तरफ से भी थोड़ा एंटी ग्रिप आपको ये मिल जाता है। अगर इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा एंटी ग्रिप मटेरियल मिल जाता है, जिससे कि जो आपका मोबाइल है वो यहाँ से गिरता नहीं है। और पीछे की तरफ से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ दो ही लॉकिंग सिस्टम आपको मिलते हैं। एक ये वाला लॉकिंग सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से आप इस आर्म को मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरफ से आपको ये वाला लॉकिंग सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से आप जो मोबाइल को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। अब एक बार इसको गाड़ी में प्लेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से गाड़ी में इसको हम जब रियर व्यू मिरर पर लगाते हैं तो कैसा देखने में लगता है। तो अभी आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को मैंने अपने गाड़ी के जो मेरा रियर व्यू मिरर है उस पर माउंट कर दिया है। पीछे की तरफ अगर से मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं यहां से दिखाता हूं तो किस तरीके से यहां पे आप देखेंगे ये किस तरीके से माउंट किया गया है। अब एक बारी मैं आपको इसमें अपना एक फ़ोन भी लगा के दिखा देता हूँ। माउंटिंग वाइज मुझे ये ठीक लगा। अब एक बारी मैं इसमें अपना फ़ोन भी आपको क्लैंप करके दिखा देता हूँ कि क्या वो फ़ोन जो है वो ईजिली क्लैंप हो पाता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अपने फ़ोन को क्लैंप कर दिया और मेरे को इसकी क्लैंपिंग ठीक लगी। अगर मैं इसको थोड़ा हिलाऊँ भी तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा इतना ज़्यादा तो नहीं हुलता है, लेकिन इसके जो पीछे का जो लॉक है, अगर मैं आपको ये पीछे वाला लॉक दिखाऊं तो ये जो पीछे वाला लॉक है वो मुझे इतना खास नहीं लगा, क्योंकि ये जो है इसका जो रोटेशन है वो मेरे को इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी चलाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हिलेगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। तो अगर आपको एक एवरेज मोबाइल होल्डर देखना है तो उस केस में तो यहाँ पे ये काम आ सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि जब गाड़ी चलेगी और कुछ इस तरीके के जो बम्प्स हैं उसमें लगेंगे तो आपके फ़ोन को होल्ड कर पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे अगर थोड़ा सा भी मैं फ़ोन को निकालूँ तो ये फ़ोन कुछ इस तरीके से निकल जा रहा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपके मन में इस प्रोडक्ट को लेकर कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।